देखो जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है, इफ इंटीग्रल पाई बाई थ्री टू एक्स अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस जीरो टू वाई कॉस टी डी टी बराबर जीरो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए। देखो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सबको एक साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो जैसे इसको करना है डिफरेंशिएशन तो लेबनीज रूल से करेंगे। क्या होगा, देखो t की जगह पर अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, है ना। t की जगह पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट उसका डिफरेंशिएशन प्लस। देखो इसको करना होगा डिफरेंशिएशन, देखो t की जगह पर अपर लिमिट cos y, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन dy by dx माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट cos 0, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 बराबर 0, है ना। t की जगह पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान दो, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो गया 0, और प्लस देखो ये हो गया cos y dy by dx बराबर 0, ठीक है। देखो अब dy by dx की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos y, यही देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो हमने यहाँ पर लेबनीज रूल का यूज कर दिया और आसानी से हमें dy dx की वैल्यू मिल गई, है ना। इस रूल का जो यूज है ये हर टॉपिक में है, ध्यान देना। हम लोगों ने जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था वहां भी हम लोगों ने कई जगह इसका यूज किया था। अब मैं आपको कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ उसकी, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको,